हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार ऑर्गेनिज्म्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन में ये डिटरमाइन होता है कि बेबी का सेक्स मेल होगा या फिर फीमेल। अलग अलग स्पीसीज में इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, कुछ में नॉन जेनेटिकली होता है और कुछ में जेनेटिकली होता है। अब हम लोग समझेंगे कि नॉन जेनेटिकली क्या है और जेनेटिकली क्या है। नॉन जेनेटिकली की बात करें तो इसमें जीन का कोई रोल नहीं होता सेक्स डिटरमिनेशन। नन मीन्स नहीं, और जेनेटिकली मीन्स जिसमें जीन का रोल होता है। तो ह्यूमंस में जेनेटिकली है, डेट मीन्स कि जीन का रोल होता है सेक्स डिटरमिनेशन में। और नॉन जेनेटिकली जैसे कि टर्टल, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल है, इसमें जीन का कोई रोल नहीं होता है सेक्स डिटरमिनेशन में। फर्टिलाइज एक किस टेम्परेचर में रखा गया है इस पे डिपेंड होगा, उसमें से जो एनिमल निकलेगा वो मेल होगा या फिर फीमेल। स्नेल की बात करें तो इसमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है और ये चेंज होते रहते हैं, कभी मेल होते हैं तो कभी फीमेल होते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है नॉन जेनेटिकली का और जेनेटिकली का, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखेंगे कि सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस में कैसे होते हैं। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन कहते किसको है। ऐसा प्रोसेस जिससे पर्सन का सेक्स डिटरमाइन हो, उस प्रोसेस को हम सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। और फिर एक और नया टर्म है सेक्स क्रोमोजोम। तो ऐसा क्रोमोजोम जो डिटरमाइन करे सेक्स ऑफ पर्सन, उसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोजोम। ये दो तरह के होते हैं, एक को हम एक्स क्रोमोजोम बोलते हैं और दूसरे को वाई क्रोमोजोम बोलते हैं। और नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर होता है वो डिफरेंट होता है। जो मदर है डेट मीन्स फीमेल, उनमें एक्सएक्स होता है, और जो फादर्स हैं उसमें XY होता है। ये 23rd क्रोमोजोम है जो कि डिफरेंट होते हैं। बाकी 22 पेयर जो हैं ये मदर और फादर दोनों में सेम होते हैं। इसी एक डिफरेंस के कारण हमें सेक्स डिटरमिनेशन का पता चलता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि कैसे ये होता है। जब मदर का एग एक्स और फादर का स्पर्म एक्स मिलेगा तो जायगोट होगा XX। तो इससे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो होंगे फीमेल चाइल्ड। अगर मदर का एग एक्स और फादर का स्पर्म वाई फ्यूज हुआ तो इससे जायगोट जो होंगे वो होंगे XY, और इससे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो होंगे मेल चाइल्ड। यही है इसका मैकेनिज्म। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो फादर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, क्योंकि मदर का जो एग है वो तो सेम ही है लेकिन डिफरेंट जो है वो फादर में है। तो रिस्पॉन्सिबल फादर होंगे और 50-50 चांस है या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। तो अब हम लोग ट्रेट्स के बारे में समझते हैं कि ट्रेट्स क्या है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि ट्रेट्स क्या है, बट इसके टाइप को हमने नहीं देखा था। तो यहाँ मैंने सोचा इसके टाइप को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कितने तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब हम ये समझते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेट्स किसको कहते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स किसको कहते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स डेट मीन्स कि जो हमने अपने लाइफ टाइम में ऑब्टेंड किया या फिर गेन किया या फिर सीखा, उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स। जैसे कि हमने अपने लाइफ में डांसिंग सीखा, सिंगिंग सीखा, स्विमिंग सीखा, जो भी हमने सीखा वो हमारा एक्वायर्ड ट्रेट्स है। और जो हमारे पेरेंट्स से हम में आया वो इनहेरिटेड ट्रेट्स है। जैसे कि हम इनहेरिटेड ट्रेट्स का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी के फादर का हेयर कर्ली है और मदर का हेयर सिल्की है, अगर उनसे दो बच्चे हुए, दो ऑफस्प्रिंग, एक का कर्ली है दूसरे का सिल्की है, तो जो सिल्की हेयर वाला है वो अपने माँ से इनहेरिटेड किया करेक्टर, और जो कर्ली है वो अपने फादर से इनहेरिटेड किया करेक्टर। इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो जो इनहेरिटेड ट्रेट्स कहाँ से आया, पेरेंट्स से आया, तो ये पास ऑन हुआ, डेट मीन्स पेरेंट्स से उनके बच्चे में, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स कैन बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बट एक्वायर्ड ट्रेट्स में ऐसा नहीं है कि आपको अगर डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग या कुछ भी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को भी ये चीज आती ही होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें कोई चेंज नहीं होता डीएनए में, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट्स में डीएनए में चेंज होता है, और ये इवोल्यूशन भी कॉज करता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स इवोल्यूशन कॉज नहीं करता।
तो यही था डिफरेंस एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स में। थैंक यू।